दोस्तों, आज का वीडियो जीके, जीएस, जीए या स्टैटिक जीके, कुछ भी कह लीजिए या जीके कह लीजिए, उस पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो प्रीवियस इयर्स में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जो कि एसएससी एमडीएस में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए, ज़्यादा समय लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध को कौन सा आयोग परिभाषित करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह आयोग, खन्ना आयोग या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच, मतलब जो अधिकारों का बंटवारा होता है, वो सरकारिया आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरकारिया आयोग। अच्छा, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। चलिए, अगला प्रश्न है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बार बार पूछा जाता है। आपके ऑप्शन हैं 2006, 2007, 2008 या 2009। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। ध्यान रखिएगा 2006, 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संहिता की सिफारिश पर लागू किया गया, या मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस मौलिक कर्तव्य के ऊपर बनते हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस संहिता की सिफारिश पर लागू किया गया? आपके ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पटेल समिति, सरकारिया समिति या खन्ना समिति। सही आंसर क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चंस आज के जो भी हैं बहुत आसान हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, छोड़ के भागिएगा मत। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 9, भाग 10, 11 या 12? कहाँ है? भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको रीचेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, लेकिन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, क्वेश्चंस जो हैं, उनको रीचेक जरूर कर लिया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन है महाधिवक्ता, राज्यपाल, सचिव या मुख्य न्यायाधीश। मतलब राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे उच्चतम जो विधि अधिकारी, मतलब राज्य सरकार के बारे का पक्ष जो कोर्ट में पेश करता हो, कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको? महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2017 को, 2 जुलाई 2017 को, 3 जुलाई 2017 को या 4 जुलाई 2018 को? कब हुई? भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 को। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट के बैट का बल्ला जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है, या जो वॉलीबॉल होते हैं उसके नेट की ऊंचाई कितनी होती है? फुटबॉल के मैच का ग्राउंड कितना लंबा होता है? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है 150 ग्राम, 160 ग्राम, 144 ग्राम या 154 ग्राम। सही आंसर क्या है? 160 ग्राम। क्रिकेट की गेंद का वजन 160 ग्राम होता है, 160 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस भाषा को दूसरा स्थान प्राप्त है? ठीक है, मतलब सेकंड प्लेस पर कौन सी लैंग्वेज आती है? बांग्ला,
मराठी, उर्दू या पंजाबी, कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा। जी हाँ दोस्तों, बांग्ला भाषा जो है ये भारत की सेकेंड प्लेस लैंग्वेज है, दूसरे स्थान की भाषा है। ठीक है मेरे जो भाई चैनल पे लाए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपके लिए मैं जीके, जीएस या जीए कुछ भी कर लीजिए, इस पे आधारित वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जो अभी आप पढ़ रहे हैं, आप जीके, जीएस, जीए कुछ भी कली जो आप पढ़ रहे हैं, ये कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25, इस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर सेक्शंस की बात करूं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस, जीए या स्टैटिक जीके या जीके कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये इतने सेक्शन आपके एग्जाम में होंगे, जिसमें से जीके के 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कहने का मतलब ये टोटल 75 नंबर का क्वेश्चंस आपको जीके से मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखिए, और महत्वपूर्ण चीज़, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है, ये जो सेक्शन है यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी। जी हाँ, अगर आपने सही क्वेश्चन किया, सही आंसर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत आंसर दिया आपने तो -1 डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसलिए ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपका कट ऑफ निर्धारित करेगा। इसलिए जीके, जीएस, जीए के क्वेश्चन जहाँ से मिलते हैं, एक्यूरेट जहाँ से मिलते हों, वहाँ से रट डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबुवाची मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है आसाम, केरला, तमिलनाडु या मणिपुर। अंबुवाची मेला लगता है आसाम में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता? आपके ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, संतोष कुमार, कर्णम माहेश्वरी, दीपक कुमार। किसने? दीपक कुमार दहिया ने। दीपक कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या सिल्वर मेडल प्राप्त किया? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान नवरत्न का हिस्सा नहीं था? यहाँ जो आपको नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है, जैसे मान सिंह हैं, तुलसीदास हैं, रहीम खान खाना हैं, मुल्ला दो प्याजा हैं, इनमें से कौन ऐसा है जो कि नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो वो थे तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है तुलसीदास उसमें थे भी नहीं, तो तुलसीदास, ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नटंजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नृत्य के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे, नृत्य और लोक नृत्य के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। आपके ऑप्शन हैं भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु या भगवान महावीर। नटंजलि नृत्य महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, नटंजलि नटराज तो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, पुस्तकों के ऊपर भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, और ऐसी पुस्तकें जो बार बार पूछी जाती हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, SSC MTS की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर के नाम से 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बने हुए हैं, तो ज़रूर से वॉच कर लीजिए। एन अनसुटेबल बॉय, करण जौहर, श्रीदेवी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, किसकी रचना है? करण जौहर की रचना है। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की रचना है, इसके लेखक करण जौहर हैं। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति या मंगल, कौन सा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। अच्छा, यहाँ पे नाम आया प्लूटो,
प्लूटो क्या खासियत है? प्लूटो भी पहले ग्रहों में सम्मिलित था, लेकिन विज्ञान ने इसको क्या कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्लूटो कैसा ग्रह है? एक बौना ग्रह है, मतलब इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम स्वदेशी कोविड वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, कार्बीवैक्स है, या कोई नहीं? कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन जो है भारत की प्रथम स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। ये जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर, ये जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की संयुक्त उत्पादन है, ठीक है। मतलब भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 से, 1956, 1996 या 1946? कब लागू किया गया? 1986 में। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2022 को कहाँ पर हार्ट फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई? ठीक है, आपके ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली या जयपुर। कहाँ रखा गया? हैदराबाद में। हार्ट फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में रखी गई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, साइबेरियाई पक्षी भारत क्यों आते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण, ठंड लगने के कारण, अंडा देने के लिए या भोजन की तलाश में? किस लिए आते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, साइबेरियाई पक्षी जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ मौसम गर्म होता है, और जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, उनके अनुकूल नहीं रह जाता, इसलिए वो इतना लंबा सफर तय करके भारत आ जाते हैं। ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि कैसे इतना दूर हर साल आते हैं और फिर वापस जाते हैं, ठीक है। मानना तो पड़ेगा, दिमाग तो बहुत तेज होता है इनका। अगला प्रश्न, जकात किस धर्म का स्तंभ है? इस्लाम, बौद्ध, जैन या ईसाई? जकात इस्लाम धर्म का एक स्तंभ है ये, ठीक है। जकात किस धर्म का स्तंभ है? इस्लाम धर्म का स्तंभ है। इसका मतलब होता है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा हमें दान करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से लेके 1956 तक, 1950 से लेके 1955 तक, 1952 से लेके 1957 तक, या 1948 से लेकर के 1953 तक? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। अगला प्रश्न है, साइंस पे आधारित है, न्यूजीलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्या है? हाइड्रोजन। न्यूजीलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए अगला प्रश्न भी साइंस रिलेटेड है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? भाई प्लास्टर करते हैं ना, बोलते हैं ना प्लास्टर करवाया उसने, तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियाँ हमारी अक्सर टूट क्यों जाती हैं? बुढ़ापे में हड्डियाँ अक्सर क्रैक कर जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाता है। क्यों? चोट लगने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ हमारी ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है, मोच आ जाता है, चोट आ जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूध का सेवन करना चाहिए। दूध बड़ी फायदेमंद चीज है, दूध पीना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न, साइड मिरर या मिरर व्यू, रियर व्यू मिरर किसे कहा जाता है? साइड मिरर, गाड़ियों में जो साइड में शीशा लगा होता है या जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है? कौन सा दर्पण होता है वो? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं? क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है? ये चीजों को छोटा छोटा करके क्या करता है? एक जगह पूरा इकट्ठा करके हमको दिखा देता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, सुभाष चंद्र।